जहां एक प्रशासन मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को 15 दिन में मजदूरी भुगतान देने की बात कहती है, वहीं सीधी जिले के ग्राम दिगमठ गांव में 250 मजदूरों ने 2015 में पंचायत के द्वारा कपिल धारा के तहत कूप खनन का काम किया था, जिसकी मजदूरी आज 2 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाई है। समस्या यह है कि काम बहुत करें, वो काम का पैसा हिसाब आज तक नहीं मिल पाई। 3 ठुकवा बांधे तो एक तो भसक गा, बस कहीं हम 10 आदमी फंसे रहें, 10 आदमी समाप्त हो जाए है ना, तो ओकर आज तक पैसा नहीं मिला। आओ हमारा बहुत सामान गड़ गए, सामानों गड़ गए, वो पैसा नहीं मिला। ओकर पैसा बाल में कुआं बांधे 14-14.5 दिन, वो पैसा आज तक नहीं मिला। और हीरा लाल पटेल का कुआं बांधे 22 दिन, तो हमें 3,000 रुपया मिला, और वो पैसा पता नहीं चले कहाँ गए कैसन गए। सारी दिक्कतें, भारी दिक्कतें हैं सर। इसमें क्या है कि हम लोग ना अपना बाल बच्चों को दवाई करवा पाते हैं, ना खाना पीना बराबर दे सकते हैं सर, ना पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं सर। ये समस्या को लेकर शिकायत आपने कहाँ किया? जो भी शिकायत की है सर, 14/9/2017 को सर सीओ साहब के यहाँ किए हैं, मुख्य प्राधिकारी कुसमी को सर, तो उसका भी कोई निराकरण नहीं आया सर। वीडियो देखने वाले लोगों से अपील करता हूं कि आप हमारे सीधी जिले के ब्लॉक सीईओ साहब माननीय श्रीनिवास द्विवेदी जी, उनका मोबाइल नंबर 97556-1887 पर कॉल करें, जिससे गरीबों को उनकी रुकी हुई मजदूरी मिल सके। मैं कैलाश सिंह, मरावी, इंडिया अनहर्ड के लिए।